हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओलंपिक्स, जो कि दुनिया का वर्ल्ड लेवल का मतलब कि गेम होता है। आप गली मोहल्ले में तो खेलते ही होंगे, पर वो आपको मतलब एक एक स्मॉल एरिया में है, मतलब कि एक कवर्ड एरिया में रहता है। जब दुनिया के सामने दिखाते हो, मतलब कि भाई दुनिया के सामने, कहते ना दुनिया जीत ली। एक फिल्म आई थी KGF, उसमें बताया क्या चाहिए भाई तुझे, वो कहते ना दुनिया, तो वही है क्या चाहिए दुनिया में, गोल्ड चाहिए, ब्रॉन्ज चाहिए, सिल्वर चाहिए। अगर आपने यहाँ से जीत लिया, समझ लिया आपने दुनिया जीत ली, मतलब असली KGF तो ये हमारे इंडियंस प्लेयर्स हैं और ये मैं जो नाम लिखे हुए हैं। अब देखिए, अब मैं ओलंपिक में बात करना चाहता हूँ, ये नहीं कहना कि ओलंपिक में कहाँ गलती हो रही है, क्या क्या हो रहा है, नहीं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ओलंपिक में जैसी जिंदगी में स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, वो हर जगह पाया जाता है। पर कुछ लोग मतलब कि स्ट्रेस से कुछ अच्छा कर पाते हैं और कुछ मतलब उनसे ज्ञान लेते हैं। अब हम लोग क्या इस उम्र में भाई मैथ्स में कम मार्क्स आए, 2 दिन ऐसे ही बैठे हुए हैं, खाना नहीं खा रहे, कि आप 10th में रिजल्ट कम आ गए, 12th में रिजल्ट कम आ गए, खाना मत खाओ, घर वालों से बात मत करो, दोस्तों से बात मत करो, मतलब ऐसा रहता है कि जिंदगी खत्म सी हो रही है। भाई कहाँ से खत्म हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट तो वहाँ से, जहाँ खत्म होता है ना वहीं से जो एंड पॉइंट होता है वही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो एंड पॉइंट होता है वही स्टार्टिंग पॉइंट होता है। देखो आज का जो मैच है, मतलब दुनिया के सबसे, आप जो देखो मैं कहेगा गोल्ड मेडल योशिजुमी साकुरा गोल्ड मेडल जीता है स्केटिंग होता है वो वाला 19 ईयर्स, देख रहे हो उम्र, देख रहे हो उनकी 19 ईयर्स, ठीक है। सिल्वर मेडल जीता है हिराकी कोकोना, ये 12 ईयर्स, डेट देख रहे हो 12 ईयर्स, मतलब 12 साल के, मतलब भैया हम अपने उम्र में 12 साल के बच्चे कितनी क्लास होंगे, फिफ्थ से लेकर सेवेंथ क्लास में तो हम बच्चे होते हैं। और जब हम कहते हैं मैम हमें पढ़ाइए ये ट्री क्या होता है, या हम कैसे मतलब दौड़ते हैं, क्या होता है फोर्स क्या होती है, ये तो सीखते हैं इन बच्चों को। देखो भाई वर्ल्ड लेवल पर ओलंपिक में 12 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब गजब कर उठा रहे हैं। ब्रॉन्ज मेडल स्काई ब्राउन, ये एक गर्ल का नाम है भाई, 13 ईयर्स, देख रहे हो 12 साल के इंडिया में बच्चे, आपने देखा हो अभी मतलब कि इंडिया में क्या क्रेज है, वहाँ दुनिया में देख रहे हो कितना भयंकर है, ठीक है। अब देखो आपने देखा होगा एक मोमी जी, मतलब कि इन्होंने भी गोल्ड सिल्वर जीता था, ये भी एक नेम है, ठीक है। अब देखो मीराबाई चानू, मैं आपको इस ओलंपिक का भी बताना चाहता हूँ, वो दुनिया जहाँ से एंड होती है वहीं शुरू होती है, आप इनको जानते होंगे अच्छी तरह से, इंडिया की लेजेंड है। अभी इस समय बहुत ही अच्छा मतलब कि इन्होंने प्रदर्शन किया कि इंडिया के फर्स्ट डे ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर लाया और दुनिया के सामने इंडिया की पहचान रखी कि फर्स्ट डे इंडिया की रैंक क्या थी, 3rd रैंक थी, जो कि मतलब इतिहास में मतलब कि इतनी पहले मिली हो। पर आज जो रैंक है वो C2 रैंक है, इस समय जो ओलंपिक चल रहा है 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेंगे, और फर्स्ट डे में आपको 3rd रैंक मिली दुनिया के सामने। हाँ इंडिया को जब चार्ट खुलता है ना, आप देखा होगा तो ऑल ओवर इंडिया खुलता है, ठीक है। अब मीराबाई चानू, मैं इनकी एक संघर्ष वाली कहानी बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है ये 5 ईयर्स अपने घर से बाहर रही थी, मतलब उन्हें अपने घर से कुछ नहीं चाहिए था भाई, उन्होंने अपना घर भी नहीं देखा 5 साल तक। और पता है अपने घर से 5 हफ्ते के लिए आई थी, मतलब 5 हफ्ते पूरे साल में, मतलब कि 1 साल में 1 हफ्ते आ गई, 5 साल में तो 5 हफ्ते आई भाई, सिर्फ 35 डेज होते हैं एक 5 हफ्ते में, 5 साल में आपसे 35 दिन आप अपने घर जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कहा था कि मैं जब दुनिया में जब होते ना वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती हैं और भी मतलब मेडल्स होते हैं, वहाँ ये वेट लिफ्टिंग करने गई थी, मतलब समय, ठीक है। तो क्या हुआ ये उस समय हार गई, मतलब पूरी तरह से हार गई, मतलब जो बंदा कितनी मेहनत करते हैं, जैसे हम लोग मेहनत करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं पढ़ाई के लिए, 10th के लिए मेहनत करते हैं, 12th के लिए मेहनत करते हैं, 11th में से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो वो इन्होंने किया, अपना बेस स्ट्रॉन्ग किया, अपने आप को मजबूत रखा, और भाई जब वहाँ गई तो भाई हार गई। तो आपका सबका स्वभाव है कि नेचर ही होता है, हार गई तो कुछ लोग क्या करते हैं, यार बड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा, चलो खाना नहीं खाते हैं, आज सोते नहीं है, बुरा लग रहा है, फ़ोन फेंक दो उठा के, तो उन्हें भी यही लगा। पर उन्होंने क्या किया, जब कोई इंसान 0 लेवल पर आता है ना, धर्म से कोई इंसान 0 लेवल पर आता है तो उठने का हर किसी का मन नहीं करता, अच्छे अच्छे लोग नहीं उठ पाते भाई। पर इन्होंने क्या किया, 5 साल इतनी तगड़ी मेहनत करी, उन्हें मानता है 2020 का टोक्यो ओलंपिक आएगा, और आपको पता है अच्छे अच्छे लोग डिप्रेशन चले गए कि भाई टोक्यो ओलंपिक हो नहीं रहा, पर 2021 में हुआ, ठीक है। तो उन्होंने क्या सिल्वर मेडल लाया भाई, पर कितनी खुशी होती है पता है, जब आप मेहनत करो, ऐसा नहीं कि मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता, बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। लोबलिना, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, मतलब 7 सिस्टर ऑफ द स्टेट कहते हैं इंडिया के, जो 7 सिस्टर है आपको बता हुआ, मेघालय से लाऊँ, असम, मिजोरम, देख रहे हो कहाँ से मतलब मेडल्स आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इंडिया इज द ग्रेट, ठीक है। अब PV सिंधु, इनको कौन नहीं जानता, अच्छी तरह जानते हैं, उनका जो पूरा नाम है वो पुरसल्ला वेंकटा सिंधु,
ठीक है, इनका पीवी सिंधु ये नाम है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। इंडिया के सेकंड मतलब मेडलिस्ट है जो कि इन्होंने दो बार मतलब ब्रॉन्ज जीता है बैक टू बैक, ऐसा नहीं है ऐसे 2016 में और 2020 में। ठीक है, अब देखो प्रेशर होता है ना, प्रेशर दुख रोना सबके लिए आता है जीवन में। आप देखो ना अच्छे अच्छे लोग रो जाते हैं भाई। देखो पीवी सिंधु थी, इनके लिए क्या है जो मेडल मिला था, इन्हें मिला था सिल्वर, सिल्वर या गोल्ड में से इन्हें मेडल मिला था। कहते हैं ना जिंदगी एक गलती मतलब कि अच्छा अच्छों को मतलब कि कुछ लोग उससे भूल लेते हैं कि ये ऐसे अब गलती नहीं करेंगे। इनको जो मेडल मिला था वो सिल्वर और गोल्ड के, वो फाइट हो रही थी सिल्वर के लिए, पर वो क्या है यहाँ से वो मतलब कि उनकी फाइट हुई थी वो हार गई थी बैडमिंटन में। और भाई जब देखोगे ना रोना आया था उस लेवल पर, कहीं आप मेहनत कर रहे हो पर जब उनके कोच ने कहा चिंता मत करो आपके पास एक मौका और है ब्रॉन्ज के लिए, तो भाई इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। देख रहे हो कि मतलब कि हम इंसान क्या करते हैं, अब इंडिया में क्या बच्चे मतलब कि ये कहते हैं भाई मज़ा नहीं आ रहा या इतना दुख हो रहा है कि यार ये बात नहीं कर रहा या वो बात नहीं कर रहा। तो आप देखिए यहाँ क्या है, अब ये दीपिका कुमारी कौन जानता है, आर्चरी में नंबर वन वर्ल्ड की, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी गोल्ड लाएंगे। देखो एक्सपेक्ट ना करी बुरी बात नहीं है, पर करो अच्छी बात है। हम ऐसी माता पिता हमसे करते हैं एक्सपेक्ट कि बच्चों आप भी कुछ अच्छा करो। इन्होंने कितनी मेहनत करी पता है, और जो जब आता है ना प्रेशर पड़ता है भाई साहब, जो मतलब कि सेकंड अपोनेंट थी उन्होंने 10 मारा पहले पॉइंट पे, इनके साथ 7 या 8 पॉइंट आए। तो जब एक प्रेशर इतना भारी प्रेशर आता है, देखो प्रेशर आना गलत ना दें, गलत होता भी नहीं, क्योंकि जब इंसान के पास प्रेशर पड़ता है, प्रेशर का फॉर्मूला आपने देखा है, प्रेशर फोर्स, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो जैसे कि साइंस से समझो तो प्रेशर जब आता है किसी चीज़ फोर्स लगती है, मतलब हम धक्का दे रहे हैं। जब कोई किसी इंसान के पास प्रेशर मिलता है तो फोर्स मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्ट हो रही है कोई चीज़, तो वही यहाँ से हुआ था। पर इनके पास क्या प्रेशर, देखो पी वी सिंधु मैम और ये दीपिका मैम, इनके पास प्रेशर इतना था कि मतलब कि ये भी मतलब कि हार गई थी और ये भी अपने उस मैच में मतलब फाइट में थोड़ा वो हो गई थी लोग तो वो। पर यहाँ देख लो वर्ल्ड के लोग अपने आप में मतलब पर जज्बा दिखा रहे हैं कि यस वी आर ग्रेट, तो एक रेस लग हुई थी। पर हाँ प्रेशर होता है भाई, जहाँ से मतलब कि दुख होता है, ऐसा नहीं कि वहाँ रुक जाना है, ऐसा नहीं कि भाई अब हम हार गए ओलंपिक में अब कुछ नहीं करेंगे, नहीं आपके पास टाइम है आप भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इंडिया में मतलब बच्चे पढ़ते हैं बहुत सारे वो करते हैं कि हमें कुछ करना है, वही आप यहाँ बहुत कुछ करते हो, ओलंपिक से बहुत सीख ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं मतलब कि उन्होंने अपने देश का नाम ऊँचा किया है, या अपने इंडिया में जैसे आप पता है कि जो अपने स्कूल में दोस्त होते हैं वो पढ़ते भी हैं और कुछ मैच में खेलते भी, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, हॉकी है, बहुत अच्छे। आज इंडिया का मैच था हॉकी, इंडिया गर्ल्स का चेक दे इंडिया और अर्जेंटीना का, पता है कितना दुख होता है, दुख होना स्वाभाविक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी दुख मनाइए अगर टेंथ में मतलब मार्क्स कमाते हैं, पर उठिए कमबैक करिए, कमबैक करना ही सबसे बड़ा वो है, जहाँ मतलब कि एंड पॉइंट होता है वही तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड तो किसी चीज़ का है नहीं है, जहाँ से एंड पॉइंट है वही एक स्टार्टिंग पॉइंट ही कहला जाएगा। इन्होंने कहा था जहाँ मेरा एंड हुआ था जीरो पॉइंट पर आ गई थी मैं, मतलब टूट गई थी, तो मैंने क्या किया तैयारी की, जो एंड पॉइंट जीरो होता है जीरो से 100% तक उनको सिल्वर मेडल मिल गया, जो कि एक तजुर्बे से मतलब कि ये कहनी कहते हैं ना भगवान की देन, नहीं जो अपने अंदर है, भगवान तो कह रहे हैं तुम मेहनत तो कर, मैं तेरे पीछे पीछे चल तो रहा हूँ। इन्होंने मेहनत करी उनको आज सिल्वर मेडल मिल गया। यस आप देख रहे होंगे कि ओलंपिक में बच्चे भाई बच्चे ही नहीं कर सकते, इन्हें तो वही 12 इयर्स 13 इयर्स की कोई एज है जिस उम्र में बच्चे मतलब कि कहते हैं भाई पापा फुटबॉल दे दो हम पैरों से खेलेंगे, वो ये ओलंपिक जैसे मेडल में गोल्ड ला रहे, गोल्ड सिल्वर ला रहे। एक वो थे मतलब 57 इयर्स के अच्छे खासे वो थे शूटिंग वाले, इसमें शूटिंग में उन्होंने गोल्ड लाया था, देख रहे हो 57 इयर्स क्या उम्र है। जैसे एक डायलॉग बोलते हैं एज इज अ जस्ट ऑफ नंबर, पर कहते हैं जो मेहनत कर 57 इयर्स में दुनिया के अच्छे अच्छे मतलब कि शूटिंग वाले आए थे, वन हैंड होते हैं 10 ईयर पिस्टल वाली होती है, अच्छे अच्छे मतलब युवा लोग आ रहे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं वो भी आ रहे हैं, जिन लोगों ने मतलब कि गोल्ड लाया था पिछले ओलंपिक में वो भी आ रहे हैं, पर इन्होंने मतलब कि 57 इयर्स एज के बावजूद उन्होंने अपना गोल्ड मतलब स्थायी किया। और जो मतलब मोमी जी एक मतलब नेम है सर नेम कोई करता हूँ 13 इयर्स, मैं तो उनकी एज देख के कह रहा हूँ कि इंडिया में मतलब कि लोग गाने गाते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस डालते हैं, क्या डालते हैं कि प्रॉब्लम गिव मी सम डिस्काउंट आई एम योर रेगुलर कस्टमर, क्या बोलते हैं चलो लिखते हैं प्रॉब्लम गिव मी सम डिस्काउंट, भैया जिसके पास प्रॉब्लम होती है ना वही आगे बढ़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम ही हमें सिखाती है कि मतलब आपको आगे करना क्या है। और बोलते हैं लोग स्टेटस डालते हैं प्रॉब्लम आई एम योर रेगुलर कस्टमर गिव मी सम डिस्काउंट, तुम डिस्काउंट नहीं मांग रहे,
तुम प्रॉब्लम से कह रहे हो कि मैं तुम्हारे सामने टिक नहीं पाऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये जिंदगी मतलब कि इतना दुख क्यों दे रहे हो भैया? तुमसे ज्यादा दुख तो इनके पास है, ये देखो कितने नाम लिखे आपके लिए, MC मैरी कॉम, इन्हें कौन नहीं आता, आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे गोल्ड लाएंगे भाई साहब, दुख आते ना, मतलब इनके पास दुख नहीं है, इन्होंने भाई साहब क्या किया, इंडिया के लिए बहुत कुछ किया, पर इन्हें भी दुख होता है जब वो रो गए, मतलब अच्छे अच्छे लोग टूट जाते हैं, पर टूट कर फिर एक साथ जुड़ना उसे कोई नहीं तोड़ सकता, जब कोई टूट जाता है ना उसे कोई जोड़ का वो कोई नहीं टूटता, उसे पता है टूटने की क्या अहमियत होती है। तो प्रॉब्लम जितकी जिसकी ज़िंदगी में आगे पढ़ोगे, जो पढ़ता है उसकी ज़िंदगी में हमेशा प्रॉब्लम आएंगी, जो नहीं पढ़ता उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, डेट सॉल्व। और मैं आपको चाहता हूँ कि आप मेहनत करें और आगे बढ़ें, और ठीक है आपके लिए, आप लोग कहते हैं ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, मुझे इनको इनके नाम बताइए जो सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज ला रहे हैं, 13 12 ईयर्स से लो स्ट्रेस, मतलब इनके पास स्ट्रेस नहीं हुआ, आप लोग तो एक ब्राइट फ्यूचर है, इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है, मतलब क्या से क्या हो रहा है, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में, आप अपना कोई लक्ष्य लेके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि आप लक्ष्य लेके बैठे हुए हैं भैया, उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, उसके ऊपर दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह जगना पड़ेगा, नींद भी आपको थोड़ी बहुत रिड्यूस करनी होगी, तब जाके आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। यस, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्या करते हो, एक पॉइंट होता है विन, सेकंड पॉइंट होता है लूज, मतलब क्या है, हार और जीत, ठीक है। अब देखो हार और जीत को, हम हार जीत को तो लेते हैं, हम जीत गए इंडिया में, मतलब हम क्या कहते हैं जीत गए, पर हारने में भी आपकी जीत है, आप जो हारने में कैसे जीते हैं, देखो कुछ लोग कहते हैं जैसे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम देने गए और आप सोचते हो भाई 50 क्वेश्चन में से हम कितने आ गए, 25 क्वेश्चन आ गए, मतलब 25 क्वेश्चन आपको नहीं आए, ठीक है, ये तो समझ में आता है, तो आप हार गए, पर आप देख रहे हो 25 क्वेश्चन आपको इस वजह से आते हैं, तैयारी की थी आपने, वो कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ी बहुत मिस्टेक से गलत हो गए, ठीक है। आप यहाँ देखिए विन का मतलब फैक्टर क्या होता है, अगर ओलंपिक देखा जाए, ओलंपिक नज़रिए से अगर कोई दो मेडलिस्ट हैं गोल्ड और सिल्वर के लिए, उनकी फाइट हो रही है गोल्ड और सिल्वर के लिए, जो जीतेगा उसे गोल्ड मिलेगा और जो हार गया उसे सिल्वर मिलेगा, तो वही आपकी ज़िंदगी में, अगर आप हारते हो तो ये मत समझो आप हार गए, आप उस हार में ये देखो कहाँ मतलब मैं सीख सकता हूँ, जो हार गया ना वहीं से तो स्टार्टिंग पॉइंट करना है आपको, उसी से लिए आपको सक्सेस आगे बढ़ना है, ठीक है, समझ में आया। हाँ, जो मतलब विन तो विन है ही है, पर लूज में भी आपको एक फैक्टर निकालना है कि लूज में भी एक पॉइंट विन का परसेंटेज है, इसमें लूज में ही बहुत बड़ा बिग रोल है, जीत और हार एक दोनों के पैरेलल है, मतलब कहते ना झूठ और सच एक साथ चलता है, वो भी हार और जीत एक चलता है, कोई जीतेगा तो कोई तो हारेगा, और ऐसा नहीं आप उस हार को लेके बैठ जाओ भैया, उस हार में ही ढूंढो कि उसमें जीतने की चांसेस कहाँ थे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं चाहता हूँ आप ओलंपिक अच्छा करें और बेस्ट बिग हैंड्स फॉर इंडिया, मैं चाहता हूँ इंडिया अच्छे से अच्छी मेडल लाए, पर हाँ जो मेरा इस वीडियो में इंटेंशन था, मैं चाहता हूँ आप इससे कुछ सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करें, ऐसा ना समझें कि आपके पास अपनी दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, भैया दुनिया की प्रॉब्लम आपके पास होंगी, मुझे नहीं पता आपको, चूँकि हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है और हर किसी के विचार अलग होते हैं, पर कुछ सीखें, ओलंपिक में ऐसा नहीं है तो अच्छे अच्छे लोग जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को डिफीट मिलती है, हर कोई मेडल नहीं जीत पाता तो ऐसा तो है नहीं, हर कोई पास नहीं एग्जाम में हो पाता तो ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप शायद उस एग्जाम के लिए थे ही नहीं, अगर आप उस एग्जाम में जा रहे हो मतलब कि आप कुछ उससे बेटर कर पाओ, आप किसी एग्जाम में देने गए आपका रिजल्ट नहीं आया, कुछ होता है बस रिजल्ट का रिजल्ट तो आ गया पर आपको मतलब कि पास नहीं हो पाए, तो ज़रूर नहीं आप उसके लिए हो, आप कुछ और नया शायद आप कुछ कर सकते हो, आपका कुछ और फील्ड हो, तो ठीक है कुछ अच्छा सीखिए, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।